आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। फर्स्ट टाइप की आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी टाइप की आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बच्चों, हम पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप देख सकते हैं सेवन टाइप की होती। फर्स्ट को कहते हैं हाइड्रेशन और सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। सेकेंड का नाम है लिंकेज आइसोमेरिज्म। थर्ड का नाम है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फोर्थ का नाम है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए ये चार ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तीन जेई एडवांस और आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। वैसे इनमें से बहुत ही कम क्वेश्चन आज तक आए हैं, तो 5, 6 और 7 ये प्योर कॉम्पिटिटिव के लिए है। अब क्वेश्चन आया कि पेपर में आएगा कैसे, तो पेपर में क्या होता है, बच्चों को एक क्वेश्चन सप्लाई किया जाता है और फिर पूछा जाता है ये कंपाउंड कौन सी आइसोमेरिज्म दिखाएगा और उसका आइसोमर बनाओ। तो बच्चों, इसको हम, क्योंकि ये अकल वाला क्वेश्चन है, अब रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो कैसे देखते हैं, अगर उसमें H2O हुआ तो वो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म या सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा। मतलब आप उसमें H2O देख लो, अगर H2O है तो हाइड्रेशन और सॉल्वेशन दिखाएगा, अगर H2O नहीं है तो फिर आप देखो एम्बिडेंटेड लिगेंड है क्या। एम्बिडेंटेड लिगेंड हुआ तो लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी, ठीक है ना। एम्बिडेंट लिगेंड 3 होते हैं, साइनाइड, NO2, HCN मेन, और एक फिनॉक्साइड भी होते हैं। अगर उसमें एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है तो आप देख लो उसमें दो ब्रैकेट है क्या, अगर दो ब्रैकेट हुए तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा, और अगर दो ब्रैकेट नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स दो ब्रैकेट वाला नहीं है, तो फिर बच्चों कौन सी बची, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इस तरह हम उस क्वेश्चन को क्लासिफाइड कर लेंगे कि कौन से आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अब हम देखते हैं 1x1 आइसोमेरिज्म। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हमने हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के लिए अभी अभी ऊपर सुना है कि H2O होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने इस एग्जाम्पल को देखा और हमें दिख गया इसमें कोबाल्ट के साथ में 6H2O, तो यह हाइड्रेट आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अब हाइड्रेट आइसोमर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, एक Cl को अंदर ले जाएंगे और एक H2O को बाहर। तो हमने अगला एग्जाम्पल में क्या देखा, एक H2O बाहर चला गया और एक Cl अंदर चला गया, जिससे कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन रहे। सेकेंड आइसोमर्स बनाने के लिए हमने क्या किया, फिर एक H2O को बाहर भेजा और एक Cl को अंदर। अब यहां पर कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन बन जाएगा कि H2O को ब्रैकेट में नीचे 2 लगाएंगे या आगे, तो बच्चों आगे डॉट 2H2O लगाते। और इसका लास्ट आइसोमर्स बनाने के लिए हमने एक H2O को और बाहर भेजा, ठीक है ना, और एक Cl को बाहर अंदर कर दिया। तो बच्चों, जितने एनायन या जितने एनायन बाहर होंगे उतने ही हाइड्रेट आइसोमर्स बन सकते हैं। तो हम देख सकते हैं इसमें 3 Cl थे, तो 1, 2 और 3 आइसोमर्स बने। हम चलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म की तरफ। बेटा चिल्ला मत। लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए, और एम्बिडेंट लिगेंड आप जानते हैं 3 मेन होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं, पहला CN, ठीक है ना, पहला CN, और दूसरा मैं आपको बताता हूं NC, दूसरा होगा NC, CN का NC हो जाएगा, CN का लिगेंड होगा NC, ठीक है ना। तो CN से बन जाएगा, और NO2 और एक और है SCN, आइसोथायोसाइनेट। तो ये हमारे पास लिगेंड है जो, जिनको देखते ही हमें पता लग जाना चाहिए
कि ये दिखाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब हमने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स कौन से आइसोमेरिज्म दिखाएगा। हमने देखा इसमें NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हमको दिखाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब ट्वेल्थ क्लास के पेपर में आएगा कि इसका आइसोमर बनाओ, तो इसका आइसोमर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इस कंपाउंड को लिया और इसमें जो NO2 एम्बिडेंट लिगेंड था उसको हम ONO करके लिख देंगे। तो हमने क्या किया, इसको O कर दिया, ठीक है ना, और आगे से 2 हटा दिया और ये बन गया O नाइट्राइटो। तो बच्चों लिंकेज आइसोमर्स बनाने के लिए क्या करना है, सिर्फ एम्बिडेंट लिगेंड को दूसरी टाइप से लिख देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने हाईलाइट करता हूं। तो हमने क्या किया इस एग्जांपल में, NO2 को ONO में कन्वर्ट कर। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हमने इसमें देखा एम्बिडेंट लिगेंड है साइनाइड, तो हमने नेक्स्ट आइसोमर्स बनाने के लिए इसको NC करके लिख दिया। फिर एक और आइसोमर्स बनाने के लिए 2 को NC करके लिख दिया। फिर और आइसोमर्स बनाने के लिए और तीसरे को भी NC करके लिख दिया, ठीक है ना। तो बच्चों लिंकेज आइसोमर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, एम्बिडेंट लिगेंड को रिवर्स करके लिख देंगे या वो जिसका जो भी पेयर हो। अब हम चलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की तरफ। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में हमने आपको बताया था, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में हमने आपको बताया था कि अगर दो ब्रैकेट हो तो वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखाता है। तो देखो एक ही कॉम्प्लेक्स है जिसमें दो ब्रैकेट है तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स दिखाएगा। एक कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनाने के लिए ट्वेल्थ क्लास में एक ही आइसोमर्स बनाने को आता है। एक आइसोमर्स बनाने के लिए हम मेटल को एक्सचेंज कर देते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर जो क्रोमियम था उसको तो कोबाल्ट कर दिया और इधर जो क्रोमियम था उसको हमने कोबाल्ट को क्रोमियम में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसा हमने किया क्यों, अगर हम लिगेंड बदलते तो हमें कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में इन ब्रैकेट्स को उधर उधर ट्रांसफर करना पड़ता। क्यों, क्योंकि इस क्रोमियम वाले ब्रैकेट पे माइनस चार्ज आ जाता और कोबाल्ट वाले ब्रैकेट पर प्लस चार्ज, और अकॉर्डिंग टू IUPC पहले कैटायन लिखा जाता है फिर एनायन, इसलिए मेटल को एक्सचेंज करना ज्यादा आसान है लिगेंड के। लेकिन अगर हमें ज्यादा बनाने हो तब क्या? हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा हमारे सामने है, तो हम ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनाना सीख गए हैं सिंगल। अब हम मल्टी कई सारे आइसोमर्स बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन था कि ये कौन से आइसोमेरिज्म दिखाएगा। हमने देखते ही इसको पहचान लिया कि दो ब्रैकेट हैं तो ये दिखाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अब बच्चों नोटिस करो इसमें मेटल कैसी है, मेटल है अलग अलग, एक प्लेटिनियम है एक कॉपर है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो अगर मेटल अलग अलग हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो 4 आइसोमर्स बनते हैं। ऐसे ही मेटल अलग हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो 6 आइसोमर्स बनते हैं। अब आइसोमर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक लिगेंड को इधर ले जाएंगे, मतलब Cl को प्लेटिनियम के पास, अमोनिया को कॉपर के पास। तो हमने देखा फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं हमने क्लोरीन इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया और कॉपर वाली साइड में एक अमोनिया इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर सेकेंड बनाया तो इधर 2 क्लोरीन हो गए और उधर 2 अमोनिया हो गए। फिर थर्ड आइसोमर्स बनाया, ठीक है ना, तो इधर 3 क्लोरीन हो गए, उधर 1 क्लोरीन रह गया या अमोनिया 3 हो गए। फिर हमने इसको भी इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, और सारे अमोनिया कॉपर के पास चले। पर बच्चों हम देखते क्या है कि हमने तो अभी अभी लिखा कि 4 ही आइसोमर्स बनते, पर यहां तो क्या हुआ, 5 आइसोमर्स हो गए इंक्लूडिंग रिएक्टेंट 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन चारों में से कोई इसका आइसोमर्स नहीं होगा। तो अब कौन सा नहीं होगा, तो इसका ढक्कन तरीका तो यह है कि जिस ब्रैकेट में दोनों लिगेंड बराबर हो वो कभी नहीं होता। तो हमने देखा इनमें क्लोरीन और अमोनिया नहीं है,
बराबर है इसलिए नहीं होगा। अब कोई पूछेगा क्यों? क्योंकि देखो प्लैटिनियम पे प्लस टू चार्ज था जिसको क्लोरीन ने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो इस ब्रैकेट पर जीरो चार्ज आ जाएगा। जब जीरो चार्ज आ जाएगा और ऐसे ही इस पर भी जीरो चार्ज आ जाएगा, तो ये दोनों ही ब्रैकेट इंडिविजुअल कंपाउंड बन जाएंगे और आइसोमर्स नहीं रहेंगे। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन का लास्ट प्रॉब्लम करने कि इसके ये कौन से आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो ये दिखाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कैसे पता लगा? दो ब्रैकेट है। अब इसके आइसोमर कितने बनेंगे? अगर मेटल सेम हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में टू आइसोमर्स बनते हैं। हम पहले की तरह सीएल को इधर ले जाएंगे और अमोनिया को इधर। हम चलते हैं नई आइसोमेरिज्म आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की तरफ। तो बच्चों हमने देखा कि इसमें H2O, अगर H2O हो तो हाइड्रेट, एम्बिडेंटेड लिगेंड हो तो लिंकेज आइसोमेरिज्म, और दो ब्रैकेट हो तो कोऑर्डिनेशन, और बच गई तो आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन हमने देखा इसमें H2O नहीं है, इसमें कोई एम्बिडेंट लिगेंड भी नहीं है और इसमें कोई डबल ब्रैकेट भी नहीं है, तो कौन सी दिखाएगा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं? बाहर वाले एनाइन को अंदर ले जाते हैं और अंदर वाले एनाइन को बाहर ले जाते हैं। तो हमने क्या किया? सल्फेट को तो देखो बाहर ले गए और ब्रोमीन को अंदर ले गए। अब इससे फर्क क्या पड़ा कि आयोनाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक होना। तो अब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट आयन देंगी, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वाला किसका टेस्ट देगा? तो जब हम इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ में कराएंगे तो ये AgBr का लाइट येलो प्रेसिपिटेट देगा, लेकिन BaCl2 के साथ में कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। लेकिन जब सल्फेट बाहर होगा तो बेरियम क्लोराइड के साथ में बेरियम सल्फेट का, ठीक है ना, वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? वो बिना कॉम्प्लेक्स बनाकर दे देगा और फिर कहेगा जैसे कोबाल्ट 5NH3 SO4 और Br लिख देगा और फिर लिखेगा कि इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन BaCl2 के साथ कराने पर हमको वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगी। तो वाइट प्रेसिपिटेट देखते ही हम समझ जाएंगे कि सल्फेट ब्रैकेट के बाहर है और आयोनाइज हो जाएगा। तो हम सल्फेट को ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे और बाकी सारे लिगेंड्स को अंदर लगा देंगे। अब हम चलते हैं कॉम्पिटिटिव के लिए, प्योर कॉम्पिटिटिव के लिए कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में पिछली कोऑर्डिनेशन की तरह, ठीक है ना, सिर्फ लिगेंड को इधर उधर एक्सचेंज कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ अमोनिया कितने थे? 3, और यहाँ कितने थे? 3। अब अगले एग्जाम्पल में हमने क्या किया? अगले एग्जाम्पल में हमने सिर्फ एक्सचेंज कर दिया, तो हमने अमोनिया को इधर लगा दिया, ठीक है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम पढ़ने वाले हैं लास्ट आइसोमेरिज्म जिसका नाम है लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए जो हम कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड होता है वो खुद पोजीशन आइसोमर्स होना चाहिए। मींस अगर किसी ऑर्गेनिक लिगेंड खुद पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स में लिगेंड आइसोमेरिज्म दिखाता है। हम देख सकते हैं इसका नाम है 1,2-diaminopropane। अब 1,2-diaminopropane को हम 1,3-diaminopropane भी लिख सकते हैं और ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमेरिज्म है। तो जब ऑर्गेनिक लिगेंड खुद पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाता है तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड पोजीशन या खाली लिगेंड आइसोमेरिज्म दिखाता है। लास्ट आइसोमेरिज्म जिसका नाम है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में उसका कंपोजिशन रेशियो तो लिगेंड का सेम होगा लेकिन कंपोजिशन बदल जाएगा, या देसी भाषा में कहें तो जब एक ब्रैकेट से दो ब्रैकेट प्रोड्यूस हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स था और उस कॉम्प्लेक्स से दो कॉम्प्लेक्स बन गए, मतलब पॉलीमर बन गया। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को
पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। पॉलीमर आइसोमर्स बनाने के लिए लिगेंड की नंबर सेम रहेगी, ठीक है ना, इसमें चार तो इसमें भी चार। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स की स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कॉम्पिटिटिव 12th दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।